झारखंड में महागठबंधन सरकार इस कमिटमेंट के साथ सत्ता पर काबिज हुई कि प्रतिवर्ष 5 लाख की नौकरियां उनके हक में जाएंगी, लेकिन एक के बाद एक जेपीएससी हो जेएसएससी हो, वहां से जिस तरह से सरकार पर आयोग पर कुठाराघात हो रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो बेरोजगार नौजवान है उसके हाथ कहीं खाली होते जा रहे हैं। कल सर जेपीएससी को मामले कर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, वहां पर से ये साफ कह दिया गया है जो रिवाइज रिजल्ट निकाला गया है वो कहीं ना कहीं उसको होल्ड में रखा जाएगा। ये तो सरकार के लिए और खासकर आयोग के लिए बड़ा ये है आक्षेप वाली बात होगी। नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में न्यायिक परव्यू जो है ये सर्वोच्च है। अगर माननीय उच्चतम न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि इसके को देखा जाना चाहिए, किया जाना चाहिए, तो निश्चित रूप से होगा और हम कतई इस बात के लिए हताश नहीं हैं। हमारा गोल स्पष्ट है, हम यह स्पष्ट मानते हैं कि यहाँ की नौकरियाँ यहाँ के बच्चों के लिए हो और उसके लिए जो हर संभव प्रयास हमारी सरकार को करने होंगे हम करेंगे। वही दिक्कत है ना, वो परिभाषा तय नहीं हो पाई है कि अगर यहाँ के बच्चे हैं तो वो किस परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। ये तो बड़ा स्पष्ट सवाल है कि जब बंगाल में बंगालियों के लिए, बिहार में बिहारियों के लिए, हरियाणा में हरियाणा के लोगों के लिए, हर राज्य की नौकरियां मिलती हैं तो झारखंड में मिलने वाली नौकरियों में क्यों आपत्ति होती है? मुझको तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं एक गिरोह या एक झारखंड विरोधी मानसिकता के लोगों का समूह न्यायिक प्रक्रियाओं में उलझाकर सरकार की नियुक्तियों को, सरकार की नियमावलियों को चुनौती देता है और चुनौती देकर उन बच्चों के भविष्य को बाधित करता है। लेकिन मैंने आपसे कहा है और मैं पुनः कहता हूँ कि हमारे जो गोल हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं, उनसे हम कतई विचलित नहीं होने वाले हैं। हम वही करेंगे जो यहाँ के बच्चों की नौकरियों को अधिकाधिक अवसर मिले झारखंड में, इसको सुनिश्चित करें। एक आखिरी सवाल, क्या झारखंड के बच्चों को, बेरोजगार नौजवानों को होली के बाद एक बेहतर माहौल, बेहतर वातावरण झारखंड के लोगों को मिल पाएगा? सरकार गठन के उपरांत लगातार इन बिंदुओं पर काम कर रही है। नियुक्ति नियमावली की जिन विसंगतियों के चलते यहाँ के बच्चों के हक को मारा जा रहा था, सरकार ने उन नियुक्ति नियमावलियों को बदला है और सुधारा है। हम लगातार इस बात के लिए लगे हुए हैं और हमारा यह स्पष्ट मानना है कि नियुक्ति निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। किसी दिन सरकार अचानक 1 लाख नौकरियों की घोषणा नहीं कर सकती है। सरकार विभागवार जो जो रिक्तियाँ हैं उनके विरुद्ध नियुक्ति का विज्ञापन निकालती है और ये निरंतर चलेगा। आपने सुना, ये थे झामुमो के विधायक सुदीप सोनू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि खास करके रोजगार के कमिटमेंट को लेकर सरकार उसे पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल ये है कि जो झारखंड विरोधी मानसिकता रखते हैं वो लोग कहीं ना कहीं एक कोकस बनाकर, एक ग्रुप बनाकर ऐसे कार्यों को बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, लिहाजा कोर्ट में जो भी निर्णय आ रहे हैं सरकार उसके अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। कैमरा पर्सन हृदय के साथ रांची से न्यूज़ 22 स्कोप के लिए शाहनवाज।